के लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण, रैखिक असमीकरण, रैखिक असमीकरण, फाइन ये बेटा। बेटा देख, क्लास 11th है, सब्जेक्ट मैथ्स है, टॉपिक है हमारा मतलब रैखिक असमीकरण, चैप्टर नंबर 6। इसमें क्वेश्चन देखना, हल करना आपको, जो असमीकरण दी गई है उनको हल करना है। हल का मतलब है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। देखें आप कुछ क्वेश्चन कल के थे और कुछ अब आप करें, आज देखेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका,
फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन सिक्स एक्स प्लस सेवन, ये आपका है। इस बात को हल करेंगे, यहां से x का मान निकालना है बेटा, तो जिधर बड़ा x है उधर छोटे मान को ले जाए, माइनस कर ले। देखिएगा यहां 4x है, 6 3 माइनस 7 इज लेस देन, इस 7 को इधर लाए और इस को इधर ले गए तो 6x माइनस 4x बन जाएगा। या आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तब चलिए ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते। 4x आपका ऐसा ही, x को इधर लगे माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3, ये बन जाएगा आपका। अब ये बेटा आपका यहाँ 4x में से माइनस 6x होगा तो माइनस के 2x बचेंगे, तो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो माइनस 2x बचेंगे और लेस देन यहाँ पर 4 आएगा। अब बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं माइनस से गुणा करके इसको ये करें, इसको धनात्मक बनाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा बेटा ये, क्योंकि माइनस टू जो है प्लस टू से छोटा होता है, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा तो बड़ा होगा, तो ये करेंगे माइनस से गुणा करने पर माइनस वन इधर गुणा किया माइनस टू एक्स और ये ग्रेटर देन माइनस वन इंटू फोर ऐसा बन जाएगा बेटा, ये चिन्ह बदल गया आपका, माइनस माइनस प्लस टू एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर बाई टू, टू से भाग देंगे तो टू टू जा फोर तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स का मान माइनस टू से बड़ा होगा। एक्स का मान माइनस टू से बड़ा होगा तो क्या बना बेटा है, एक्स बिलोंग टू इसको लिखे ओपन इंटरवल पे माइनस टू से प्लस इनफिनिटी तक, इसमें माइनस तो सम्मिलित नहीं है, माइनस टू से बड़ी सभी संख्याएं सम्मिलित हैं, तो ये इसका मतलब होगा ये हुए एक्स के मान। एक्स के वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, वास्तविक संख्या भिन्न में भी होती है, पूर्णांक के रूप में भी होती है, प्राकृत संख्या के रूप में भी होती है, तो ये आपके पास बना एक्स बिलोंग माइनस टू से अनंत, ये होगा बेटा आपका, देख ले एक बार इसको। एक बार वापिस समझाओ सर, वापिस समझाओ सर, भी से नसीब बनेगा और x less than -6 by 2 2 3 और 6 और x
लेस देन माइनस ये वाला एक्स का मान माइनस थ्री छोटा होगा तो ये बनेगी शुरुआती संख्या एक्स बिलोंग टू क्या बनेगा यहाँ पर माइनस इनफिनिटी माइनस थ्री पूरा मतलब बात दे दो इजिबल टू है कि दो वो कोई नहीं है सम्मिलित नहीं है तो सभी छोटे संख्या सम्मिलित है यहाँ माइनस इनफिनिटी जो एक्स सिंबल होता है कोई मान नहीं होता नहीं ये संख्या बड़ी संख्या है ये आपका एक्स का मान होगा लो काट चित्र है और मतलब डेटा इम डेक्यू के कहाँ बराबर है ये नहीं इनफिनिटी में नया क्लास कोई वह जो है निकल दोहन को बीजे क्लास में कितना था बीजे क्लास में नया दस हो रहा है इन्हीं क्लास में एक तो दूरी कोडिंग कर रहे हैं पास उमार से थी हम बढ़ावे ने तो हम जाओ तो सही नहीं देख ले बेटा इसको ध्यान से ओडोले में बोले न कोई हर ओल गुजे इन्हें पर हर रो मार सकती हूँ पहले मार सकती हूँ एक मार्च इडली को अरे तेरे मुंह पे होटल कलर दिए अरे तेरे बाप होटल कॉल है क्या कर सर फोन आ रहा है तो फिर एक लाहू थी मैं देख कोई नहीं तो ना तो हम लाइक थी 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वो है रुए और 1 माइनस एक्स या यहां से आपको एक्स का मान ज्ञात करना है निकाले बेटा करे सी गुणा 6 माइनस 3 है 6
ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस टू एक्स, ये बनेगा आपका। अब आपका इस टू एक्स को इधर लाऊंगा माइनस थ्री एक्स और ये आकर प्लस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस सिक्स, ये सिक्स इधर का जाएगा। तो यहाँ आपका बेटा माइनस ऑफ थ्री एक्स और प्लस का टू एक्स, तो आपको बचेंगे प्लस का माइनस का एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस के टू और माइनस का सिक्स, तो बचेगा माइनस का फोर, ये बचेगा माइनस फोर। अभी माइनस बेटा ऐसा नहीं है, माइनस तो सीधा कैंसिल ही कर दे, इसे धनात्मक बनाने माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। तो माइनस वन दोनों तरफ गुणा करें माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस फोर, माइनस से गुणा करते बेटा चिन्ह बदल गया। आप देखें यहाँ पर x का मान अभी छोटा आएगा और यहाँ माइनस कैंसिल कर देते तो यहाँ बड़ा था, तो ये जो गलत होता है आंसर। अब ये बनेगा माइनस प्लस x और लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4, तो x का मान माइनस प्लस 4 के बराबर और छोटा होगा, जो लिखेंगे इस तरह से x बिलोंग टू माइनस का खुला अंतराल है और यहाँ प्लस का 4 पर बंद अंतराल है। x का मान माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस 4 तक, इसमें 4 भी आपका सम्मिलित होगा। अरे देख लें इसको ध्यान से एक बार, हाँ ये सही है। अरे तेरी एलसीएम लेगा ना, इसको हल करें। सबसे पहले बेटा आप इसका लघुत्तम लेंगे, तो इसके लिए है x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2 और प्लस x अपॉन 3 लेस देन 11। अब 1 2 3 का लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक LCM बराबर होगा कितना होगा बेटा 6। अब इसका लघुत्तम आएगा बेटा 6, ये 6 यहाँ पर, तो यहाँ 6 से गुणा होगी 6x, यहाँ पर 3 से गुणा होगा 3x, यहाँ 2 से गुणा होगा और लेस देन 11। ये 6 की यहाँ गुणा करेंगे, इसको जोड़ दें 2 और 3 5 और 6 11x और लेस देन 11 into 6 ये बन जाए और x less than 11 into 6 by 11, इस 11 से ये कैंसिल, तो x less than 6 आ जाएगा बेटा। x समान सब लघुत्तम ले यहां से वापस समझो x below माइनस इनफिनिटी से 6 खुले अंतराल में, ये आपका x का मान होगा। देखा आपने
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका x by 3 less than x by 2 plus 1 x by 3 less than x by 2 plus 1 ये क्वेश्चन है आपका हल करें इसको इस x को इधर ले ले पहले x by 3 minus x by 2 less than 1 अब बेटा इसका लघुत्तम ले ले 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक बेटा 6 होगा ये लिखा है पर 6 फिर यहां गुणा कर दें 2x minus 3x less than 1 अब 2x plus का minus 3x तो minus x बचेगा और less than 1 into 6 ये बनेगा अब ये बने minus x less than 6 इस minus x को धनात्मक बनाने के लिए बेटा दोनों तरफ में minus से गुणा करूंगा और जब माइनस से गुणा करूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा ये वाला ये चिन्ह तो माइनस वन गुणा माइनस एक्स और ग्रेटर देन माइनस वन इनटू सिक्स ये बनेगा माइनस वन प्लस का एक्स और ग्रेटर देन माइनस सिक्स तो एक समान माइनस छह से बड़ा होगा बेटा तो यह बना एक्स बिलोंग टू माइनस सिक्स से प्लस इनफिनिटी ये आपका अंतराल कुल अंतराल हो गया बेटा यहाँ देख ले एक बार ठीक है बेटा और आज की क्लास बेटा आपकी समाप्त क्लास बेटा आपकी समाप्त आज